जय हिंद। सलाम। छोटी सी सूचना लेकर आया हूँ उन सभी विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए जो किसी प्रकार के लेखन में रखते हैं रुचि। लेखन यानी कि राइटिंग, राइटिंग यानी कि आर्टिकल राइटिंग नहीं, निबंध राइटिंग में। यदि आप भी ऐसे राइटिंग में रखते हैं रुचि और खासकर हिंदी भाषा में ऐसे राइटिंग रखने में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आपके पास बचे हैं 25 दिन। एक होने वाली है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता, भी होना चाहते हैं इसमें शामिल तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, और समस्या सवाल होने पर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हिंदी साहित्य भारती इंदौर मध्य प्रदेश की एक संस्थान है, और साथ ही नागरी लिपि परिषद दिल्ली, ये दोनों ही संस्थान मिलवाकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की निबंध लेखन प्रतियोगिता करवा रहे हैं जिसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल। और साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई एज लिमिट नहीं है। आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 100 के हैं, यदि आपकी कलम लिखने की इच्छा रखती है, आपके अंदर वैचारिक बुद्धिमत्ता है, तो लिखिए इस विषय पर जो आपको आगे बताऊंगा। और साथ ही साथ आप मेल हों, फीमेल हों, ट्रांसजेंडर हों, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, किसी संस्थान में काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इस पर निबंध लिख सकते हैं। इंग्लिश में नहीं, केवल हिंदी भाषा में निबंध लिखना है। और साथ ही साथ आयु की, लिंग की, व्यवसाय की, स्थान की, आप कोई भी जॉब करते हो लिख सकते हैं, हाउस वाइफ हो तो लिख सकते हैं, हाउस हस्बैंड हो तो लिख सकते हैं, किसान हो, मजदूर हो या बिजनेसमैन हो तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा विषय है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे अच्छी इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है। किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं लगाया गया है कि केवल स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे या रिसर्च स्कॉलर लिख सकते, कोई भी लिख सकता है। पुरस्कार भी सुन लीजिए जो आप देख चुके होंगे, तीसरा पुरस्कार 1000 है, दूसरा पुरस्कार 3000, तीसरा है 5000, कैश मिलेगा या चेक मिलेगा ये तो संस्थान बताएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी फोन नंबर आपको दे देंगे, ईमेल आईडी फोन नंबर दे देंगे, जो ईमेल आईडी आपको देंगे उस ईमेल आईडी पर अपना निबंध लिखकर टाइप करवा लीजिएगा या कर लीजिएगा और ईमेल के माध्यम से भेज दीजिएगा। ठीक है, शुल्क किसी प्रकार का शुल्क नहीं है, नील बटे सन्नाटा है, जीरो है, कोई शुल्क नहीं है, तो अच्छा मौका है, इस पर लिखिए। टॉपिक 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 देवनागरी लिपि है, आपको लगा होगा हिंदी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा भी तो लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। ठीक है, पूरा टॉपिक आगे बताऊंगा आपको। और साथ ही साथ 3000 शब्द, 2 से लेकर 2500, 1900 भी हो सकते हैं, 1800 भी हो सकते हैं, 1500 भी शब्द हो सकते हैं, 2100 भी हो सकते हैं, 2200 भी हो सकते हैं, लेकिन 2500 से ज़्यादा मत लिखिएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक और बात, हाथ से लिखा आपने निबंध कागज पेन पे, उसका फोटो खींचा और भेज देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। प्रॉपरली टाइप करके भेजिएगा, 10-12 पेज टाइप करवा के भेज दीजिएगा, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 100-150 में टाइप हो जाएगा। नहीं तो गूगल ट्रांसलेट से टाइप कर सकते हैं, स्पीड टाइप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्यों लिख दिया गया, केवल टाइपिंग किया हुआ ही ऐसे स्वीकार किया जाएगा। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, जैसे कि आप सभी जान चुके हैं। निबंध आपका मौलिक होना चाहिए, अप्रकाशित होना चाहिए, और पहले से यदि कहीं प्रमाणित पब्लिश हो चुका है ऐसे निबंध को मत भेजिएगा। निर्णय का जो निर्णय है अंतिम में सर्वमान्य होगा। इसमें लिखा हुआ है 3 व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे नाम हो तो नहीं बताएंगे। टॉपिक को सुन लीजिए, टॉपिक है देवनागरी लिपि को रोमन लिपि से मिलती चुनौतियाँ। देवनागरी लिपि को रोमन लिपि से मिलती हुई चुनौतियाँ, और रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है आपको बताने की, समझाने की आवश्यकता नहीं है, कमेंट करके बताइएगा कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा और रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, और किस भाषा को किससे चुनौतियाँ मिलती हैं, क्या चुनौतियाँ मिलती हैं, एक एक पॉइंट हमको भी बता दीजिएगा, ताकि आपको और साथ साथ जो वीडियो को देखते हैं उनको थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। ठीक है, निबंध का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, एक प्रस्तावना लिखिएगा, कुछ कीवर्ड लिखिएगा, अपने निबंध को लिख दीजिएगा, अपने निबंध के सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए दिए गए विषय पर अपनी कलम लिखने को चलानी नहीं है, टाइप करनी है, टंकण करना है, आपको टंकण बोले तो टाइपिंग करनी है। और यही थी सूचना जो आपको देनी थी, और हिंदी साहित्य भारती इंदौर संस्थान और नागरी लिपि परिषद दिल्ली दोनों को बहुत बहुत साधुवाद कि इस ऐसे विषय पर और इस समय आपने करवाई निबंध लेखन प्रतियोगिता। और सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं जो होंगे शामिल। मिलता हूं आपसे किसी और विषय, किसी और बिंदु पर, कभी किसी और दिन रोज मिलेंगे एक और अन्य वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।